हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक यू ऑल। आज मैं कक्षा 6 नई दीपमणिका का लेसन नंबर 5 अभ्यास पुस्तिका का उत्तम पुरुष उभयलिंग में कराने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यानि उचित क्रियापदेन पूर्यत। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी ज़रूरत पूरी हो रही हो तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रियापद लिखिए जो कि यहाँ पे दी गई हैं और मैंने पहले से लिख दिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। अहम गृहम गच्छामि, ये तो आपको पता ही है कि अभी तक लट लकार ही चल रहा है, अभी हमारा और कोई लकार शुरू नहीं हुआ। लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वयम लेखम लिखाम है, लिख धातु दी हुई है तो लिख के साथ क्या आ जाएगा, वयम के साथ लिखाम है। अहम चित्रम दृश धातु के साथ पश्यामि, बस इससे पहले आपको धातुएं आनी चाहिए कि किस तरह से धातु रूप चलते हैं, यानी कि लट लकार की कोई भी धातु आ जाए तो आपको किस तरह से इनकी धातु रूप चलानी, यानी कि जैसे कि आपने पट की लर्न कर ली, पढ़ती पढ़ते पठंती, पढ़सी पढ़ते पठत, पठामी पठावे पठामे, और एक आपने लर्न कर ली गम की। अब बच्चे क्या करते हैं, गम की कैसे करते हैं, गमती गमते गमंती, तो ये रॉन्ग है क्योंकि गम धातु जो है वो हमारी परिवर्तित है। तो हम कैसे करेंगे, गच्छति गच्छते गच्छंती, गच्छसि गच्छते गच्छत, गच्छामी गच्छावे गच्छामे, तो यहाँ पे क्या आ गया, गच्छामी। यानी कि अगर आप दो ये धातुएं लर्न कर लेंगे, पट की और गम की, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि दृश्य की चेंज हो रही है पश्य में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अहम के साथ पश्यामी। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, अहम वानरेभ्य फलानी, अब दा धातु का क्या हो जाएगा अहम के साथ, यच्छामी। यह दा धातु का परिवर्तित रूप क्या है, यच। यह आपने पढ़ा ही था लेसन नंबर 3 में 2 में भी पढ़ा था, अहम वानरेभ्य फलानी यच्छामी, अहम सदा सत्यम वदामि, वयम भ्रातरम नमामि, सॉरी नमामे, ओके। तो ये मैं एक बारी लिख देती हूँ, तो ये मैंने लिख दिए हैं। अब आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानानि उचित कर्तृपदेन पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थानों में उचित कर्ता पद लिखिए। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे उचित कर्ता पद कौन से लिखने हैं। अब आपको पता ही होगा यहाँ पे आमी आवे आमे दे रखा है, तो हमें कौन सा यूज़ करना है, पुरुष, उत्तम पुरुष। तो नमामि के साथ क्या आ जाएगा, अहम वयम पश्यामे, अहम नमामि वयम पश्यामे, वयम क्रीडामे आवाम भ्रमावे। तो आइए पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यानि एक पदे परिवर्त्य पुनः लिखत, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को एक वचन में बदल कर पुनः लिखिए। तो ये हमारा जैसा कि दे रखा है, बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति, तो इसका क्या हो जाएगा, बालकः कंदुकेन क्रीडति। नेक्स्ट है यूयम पाठम स्मरत, तो क्या हो जाएगा यूयम का, त्वम पाठम स्मरसि। तो आइए मैं पहले लिख देती हूँ फिर देखते हैं। तो ये हमारा हो गया त्वम पाठम स्मरसि। नेक्स्ट हमारा आया आवाम विमानेन गच्छावे, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, अहम विमानेन गच्छामि। नेक्स्ट आया वयम नेत्राभ्याम पश्यामे, तो इसका क्या हो जाएगा, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। बस आपने इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। अब नेत्राभ्याम आप ये मत सोच लेना कि ये तो द्विवचन है, इसको भी एक वचन में करें तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैं दो आँखों से देखती हूँ। सभी की दो आँखें होती हैं, हम एक आँख से तो देख नहीं रहे, तो यहाँ पे हमको ये चेंज नहीं करना। नेक्स्ट सेंटेंस है युवाम कविताम स्मर्थ है, तो क्या हो जाएगा, युवाम का त्वम कविताम स्मरसि। नेक्स्ट सेंटेंस आया ते नरः कुत्र गच्छन्ति, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, से नरः कुत्र गच्छति। राइट, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानानि क्रियापदै पूर्यत, यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको धातुएं आती हैं तो आप अच्छे से कर लोगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास एक एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि ये गच्छत है, तो यानी कि हमें पता ही है कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, गच्छति। ईजी हो गया ना आपके लिए, गच्छति गच्छत है गच्छन्ति। नेक्स्ट आया वदसी वदत है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से वचन में बात कर रहा है, ये द्विवचन में, ओ कौन से पुरुष में चल रहा है, तो ये हमारा हो गया वदत है, ये हमारा कौन सा पुरुष हो गया था, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट आया पश्यन्ति, यानी कि ये कौन सा पुरुष है हमारा, प्रथम पुरुष है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पश्यति।
नेक्स्ट क्या बनेगा, पश्यत है और उसके आगे गिवन ही है, पश्यंती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया भवामी, तो हमारा पास क्या हो जाएगा, ये भवावे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भवामे। दिख रहे हैं ना सभी को, आगे देखते हैं। करोति कुरुत है, ये थोड़ी टिपिकल है धातु, फिर भी आप क्री की और अस की जरूर लर्न करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत यूज होती है। नेक्स्ट क्या आया, गच्छति गच्छत है, गच्छन्ति। इसके बाद क्या आया, कौन सी धातु आ गई, नमत है, तो यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, नमति, प्रथम पुरुष में आ गया, और यहां पे क्या आ जाएगा, नमन्ति। ओके, नेक्स्ट कौन सा आ गया, लिखाम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष में लिखामी, और यहाँ पे लिखाव है, राइट। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे शेयर करें, जरूर शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, क्योंकि आपकी हेल्प हो रही है, और अगर आपका एक लाइक और एक अच्छा कमेंट मुझे खुशी दे सकता है तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, तभी मैं आगे और वीडियो बना पाऊंगी। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।